धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की परंपरा राजा इंद्रद्युम्न के शासनकाल से चली आ रही है। बीते दो साल कोरोना के चलते भक्तगण इस पावन यात्रा में शामिल नहीं हो पाए थे, लेकिन इस साल पूरे धूमधाम के साथ रथ यात्रा का महोत्सव मनाया जाएगा। सनातन परंपरा में जिन सप्तपुरियों का जिक्र मिलता है उसमें भगवान जगन्नाथ की पावन नगरी पुरी भी शामिल है। हिंदू धर्म से जुड़े चार धाम में से एक पुरी का जगन्नाथ मंदिर और यहां पर हर साल मनाया जाने वाला रथ यात्रा का महापर्व अपने साथ कई रोचक बातों को जोड़े हुए है। लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़े रथ यात्रा के बारे में मान्यता है कि इसमें शामिल होने मात्र से उन्हें सभी तीर्थों के पुण्य फल मिल जाते हैं। प्रत्येक वर्ष की भांति जगन्नाथ रथ यात्रा का महापर्व आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष को मनाया जाएगा। आइए आस्था से जुड़े इस महापर्व से जुड़ी रोचक और महत्वपूर्ण बातों को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं मिस्टीरियस हिंदू टीवी चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार अवश्य लिखिएगा जय श्री जगन्नाथ स्वामी। भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में से एक श्री जगन्नाथ पुरी धाम को पुरुषोत्तमपुरी, शंख क्षेत्र, श्री क्षेत्र आदि के नाम से और यहाँ पर निकलने वाली रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा, घोष यात्रा, दशावतार यात्रा आदि के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल होने को बहुत बड़ा सौभाग्य माना गया है। मान्यता है कि रथ यात्रा में शामिल होने मात्र से ही भक्तों पर भगवान जगन्नाथ की कृपा बरसती है और उन्हें 100 यज्ञों के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है और जीवन से जुड़े सभी सुखों को भोगता हुआ अंत समय में मोक्ष को प्राप्त होता है। जगन्नाथ पुरी की रथ यात्रा भले ही एक दिन की हो, लेकिन इस महापर्व की शुरुआत वैशाख मास की अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर आषाढ़ मास की त्रयोदशी तक चलता है। रथ यात्रा के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रथों का निर्माण कई महीने पहले शुरू हो जाता है। प्रत्येक साल रथ यात्रा के लिए नए रथों का निर्माण होता है और पुराने रथों को तोड़ दिया जाता है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के दिन शुरू होगा। इस रथ यात्रा में देश विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। जगन्नाथ पुरी का मंदिर भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर का हिंदू धर्म में खास महत्व है। साथ ही धार्मिक ग्रंथों के अनुसार यहां भगवान श्री कृष्ण, बलराम और उनकी छोटी बहन सुभद्रा की पूजा की जाती है। रथ यात्रा के दिन महाप्रभु श्री जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ अपने पहले प्रकट होने के पवित्र स्थान पर जाते हैं, जिसे श्री जगन्नाथ मंदिर से 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर कहा जाता है और वहां 7 दिन बिताते हैं। आपको बता दें कि तीनों देवता 3 नए रथों पर सवार होते हैं, जिसको भक्तगण खींचते हैं। महाप्रभु श्री जगन्नाथ के रथ का नाम नंदी घोष है, सुभद्रा का रथ देवदनल है और बलभद्र का ताल ध्वज है। स्कंद पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि जो भी व्यक्ति रथ यात्रा में शामिल होकर गुंडीचा नगर तक जाता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है और उसे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। इन तीनों रथों में सबसे आगे बलभद्र जी का और उसके बाद सुभद्रा जी का और सबसे आखिर में भगवान श्री जगन्नाथ का रथ चलता है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा का उत्सव 1 जुलाई 2022 शुक्रवार के दिन शुरू होगा। मित्रों, आपकी कितनी आस्था है जगन्नाथ रथ यात्रा में, कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को एक लाइक, एक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा।